Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindale Bridge, Ajmer. नवाब का बेड़ा स्थित यहाँ पर एक पानी की टंकी है जो अंग्रेजों के जमाने के लगभग यहाँ से 100 साल पुरानी यहाँ पानी की टंकी है जिसमें पहले यहाँ से अजमेर को पानी सप्लाई होता था। आज सुबह यहाँ पर लगभग 11 बजे पानी की टंकी बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो चुकी है। उसके दो तीन लोहे के टुकड़े जो हमने हाथ में ले रखे हैं ये गिरे हैं और यहाँ दो लोग जा रहे थे वो बाल बाल बचे हैं। जनहानि होने की पूरी संभावना थी। ये टंकी पूरी जर्जर अवस्था में आ चुकी है। हम प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि आप इस टंकी की ओर अपना ध्यान खींचें और इस टंकी को यहाँ से हटाने की जल्द से जल्द कृपा करें जिससे यहाँ न कोई जनहानि हो और न कोई परेशानी हो। हम सब यहाँ के नवाब का बेड़ा व्यापारिक संघ के आदमी हैं। इसकी यहाँ कोई सप्लाई भी नहीं। टुकड़ा एक एक टुकड़ा लगभग 4-4, 5-5 किलो का भारी है जो हमने हाथ में ले रखे हैं। अगर ये किसी को लगता तो उसका सर फूट सकता था। आगे हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी इस टंकी को हटावें और यहाँ से जनहानि होने की जो भी संभावना हो उसको दूर करें। किसके अंडर में आती है आपको ये टंकी? नगर निगम के अंडर में आती है। पार्षद को हमने मौखिक रूप से सूचना दे रखी है और अभी उसरी गेट चौकी के जो प्रभारी हैं राजा राम जी उनको भी हमने मौखिक अवगत करा दिया, वो भी यहाँ देख के गए हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन जल्दी जल्दी इसको अपना ध्यान इस तरफ खींचे और इस टंकी को यहाँ से हटाए। आपका नाम? चंद्र प्रकाश हेमनानी। व्यापारी एसोसिएशन का मेंबर हूँ। हमारे व्यापारी एसोसिएशन में एक ये टंकी है जो करीब 100 साल पुरानी है और ये लोहे से निर्मित है और इसके अंदर से रोज एक ना एक टुकड़ा गिरते रहता है और डेली का ये काम है। और आज एक बड़ा टुकड़ा करीब 10-15 किलो वजनी एक टुकड़ा गिरा यहाँ पे करीब 11 बजे। तो ये टुकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये अगर किसी के सर पे गिर जाता तो उसकी क्या हालत होती। और इस टंकी की हाइट करीब 55 से 60 फुट है और 60 फुट ऊपर से कोई लोहे का टुकड़ा 10-15 किलो गिरे तो उसकी क्या हालत हो जाए, ये अपन एक सोचने और समझने वाली बात है। हमने पार्षद साहब को मौखिक रूप से 2-3 बार पहले अवगत कराया है पर उसका कोई निर्माण नहीं निकल पा रहा है। और आज हमारे चौकी प्रभारी राजाराम जी को भी हमने अवगत कराया इस चीज़ के बारे में तो उन्होंने कहा कोई भी कार्रवाई हो तो आप मेरे को संपर्क करें तो मैं इसके बारे में कार्रवाई करने को तैयार हूँ। मार्केट कैसा है, चलता फिरता है? मार्केट बिल्कुल चलता फिरता है। आप पीछे खुद ही देख सकते हैं कितनी पब्लिक है, कितनी पब्लिक रोज आती जाती है यहाँ से हर तरफ का रास्ता निकलता है। अजय नगर, चंद्रोदय नगर और यहाँ पे एक ट्राम्बिक हरिजन बस्ती भी है जो कि बहुत ही जन समूह यहाँ पे अवगत रहता है, एनी टाइम प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे करीब 25 से 30 दुकानों की मार्केट है और पूरा टाइम यहाँ पे पूरा भीड़ भाड़ का ही माहौल रहता है। जिस समय ये गिरा था उस समय पर मौजूद था? मौजूद थे पर गनीमत है कि किसी ऊपर गिरा नहीं और हाथों यहाँ पे बहुत भीड़ जमा हो गई। उसके बाद हमने मीडिया को और सबको अवगत कराया कि इस पे कोई एक एक्शन लेते हुए पूरी कार्य बहुत जल्दी जल्दी की जाए। किसके अंडर आती है ये? नगर निगम के अंडर आती है भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम राम खैनी, नवाब का व्यापारी एसोसिएशन।